22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। विक्रमादित्य ने आमंत्रण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को निमंत्रण का सौभाग्य मिला है। उन्होंने निमंत्रण के लिए आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं, वह इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री भी अयोध्या में होंगे। हिंदू सनातनी देव समाज में विश्वास होने के नाते वह अयोध्या जाएंगे। उन्होंने आमंत्रण भेजने वाली सभी संस्थाओं का आभार जताया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कांग्रेस पर बोले गए जवानी हमले पर कहा कि नड्डा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वह अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अभी उनकी तलवारें म्यान में है, लेकिन समय आने पर पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और राजनीतिक विरोधियों को लहूलुहान किया जाएगा। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है। और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। इसके लिए मैं निमंत्रण देने वाले सभी संस्थाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हम अपने तरीके से, पूरी तरीके से तैयार है। अभी ये कोई राजनीतिक मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी माननीय जेपी नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, साथ ही हिमाचल से सांसद भी है। वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो तो चुनावों की बात होगी, जब चुनावों की रण में उतरेंगे तो हर तरीके से अस्त्र शस्त्र निकाले जाएंगे और लड़ा जाएगा। अभी तो हमने तलवारें म्यान में रखी हुई है, मगर तलवारें पूरी तरीके से निकाली भी जाएगी और लहूलुहान भी किया जाएगा। तो ये है, बाकी हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ जिताने में हर संभव प्रयास करेंगे।